के पार्षद पद के लिए नगर परिषद गोपालगंज आज हमने नामांकन किया। हम लोग ये चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि नगर परिषद एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नगर परिषद सिर्फ और सिर्फ वहाँ लूट हो रहा है, उस लूट के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि रोज़ सफाई नहीं होता है, सप्ताह में 6 दिन सफाई होता है, सफाई का नाम लिया जाता है और 7वें दिन छोड़ दिया जाता है। हम लोग 7ों दिन सफाई का काम कराना चाहते हैं, लेकिन कई बार मिले हम लोग, लेकिन वो हुआ भी नहीं। हम लोग आएंगे तो 7ों दिन सफाई होगी। और ये जो होती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता जो सफाई मजदूर वहाँ काम करते हैं, जिनका शोषण नगर परिषद के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग दूर करेंगे। और शहर भर में जितना जल जमाव की समस्या है, जल जमाव सबसे प्राथमिकता में रहेगा और जल जमाव से इस शहर को निजात पाना है। सड़कें बनाई जाएंगी, इसके अलावा छात्रों के लिए भी बहुत सारा कार्यक्रम है। हम फिर आप सब लोगों के सामने आएंगे, अपना मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे और हम अपील आपके माध्यम से करना चाहते हैं नगर परिषद की जनता से कि अपना वोट जो है वो मैनिफेस्टो देख करके करें, जाति मजहब से ऊपर उठ करके करें, जो काम करें, जो आपको लगता हो जो आपका काम पूरा कर सकता है उसके लिए करें। धन्यवाद। पार्षद पद के लिए नगर परिषद गोपालगंज।